जय बागेश्वर धाम। इस समय हम हैं बागेश्वर धाम और 156 बेटियों को यहां से विदा किया जाएगा, जो कि मंडप थोड़ा सा घुमा के दिखाओ। ये जो मंडप आप देख पा रहे, यहां पर 156 मंडप बनाई गई और बागेश्वर धाम पर हमारे गुरु महाराज जी धीरेन कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में जो देख पा रहे हैं 156 बेटियों की, यहाँ पर दूल्हा बैठे हैं। मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहूंगा। भैया क्या नाम, नमस्कार पहले। क्या नाम आपका? रतन। कहाँ के रहने वाले भाई? टोपा पहना दो। जी जी जी। क्या 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 नाम है भाई? राम रतन। हैं, थोड़ा इसको नीचे करो। हैं, राम रतन। अच्छा, और कितने भाई बहन होंगे आप? भैया दो भाई हैं। अच्छा, घर में कौन कौन है? सब जने हैं, माता है। अच्छा, कौन ठाकुर हो भैया आप? रेखवार। रेखवार। और कितने लोग आए भाई शादी में? 12 आदमी। 12 आदमी। कहाँ से आए बारात? 25 आदमी। कहाँ से आए? कैथुपुर, छतरपुर जिले से। और दुल्हन कहाँ की है? सिंगोन। सिंगोन, महोबा जिला। भाई आप काम क्या करते, कुछ बताएंगे? खेती किसानी, खेती किसानी का काम करते हैं। तो इनकी गार्जियन कौन है आप? पिताजी। तो भाई एक बात बताओ, ये है कोई रिश्तेदार? कोई अच्छा भाई रस्ती सर का नाम ही सर उनका भाई है। अच्छा, पिताजी का नाम शिवचरण रेखवार है। तो भाई आप क्या कहना चाहोगे, अगर गुरु महाराज जी 156 बेटियों को विदा कर रहे और पूरा जो दान दहेज का उपहार होता है गुरु जी ने व्यवस्था किया है, लगभग लाखों के होंगे वो? बहुत बहुत बढ़िया, हम उनको नमस्कार करते हैं। अच्छा, और ऐसा तो कोई भी नहीं कर पाता जैसा अपने गुरु उन्होंने किया है, वो कर रहे हैं। आज पंचमा वो साल है। पांचवी, अगली साल और बढ़ा के, अगली साल और बढ़ा के उनने विचार किया। ऐसे लोगों को तो भगवान, वो तो भगवान रूपी है, वो भगवान रूपी तो है, हनुमान जी की कृपा है उनके ऊपर, से सब आनंद हो रहा हो और गरीबों का भला हो रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। चलो आओ थोड़ा सा। भैया कहाँ से हो आप? भरतोली कोण से। भरतोलगढ़ कहाँ पड़ता है? गुलगंज के पास में। गुलगंज? हाँ। एमपी में? हाँ। और यूपी? एमपी। एमपी, एमपी। और भाई काम क्या करते हो आप? खेती। खेती करते हो? हाँ। तो आप शादी में कितने लोग आए भाई? हम करीबन 20 लोग हैं। 20 लोग? हाँ। तो शादी के लिए क्या कोई खर्चा वगैरह यहाँ पर लगा भाई? एक रुपया भी नहीं लगा। एक रुपया नहीं लगा, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहोगे भाई, आपका शादी हो रही? शादी क्या कहना, हम धन्यवाद करना चाहेंगे गुरु जी को, धन्यवाद करना चाहोगे? क्योंकि कोई किसी भी प्रकार का कोई खर्चा, कोई एक रुपए का किसी ना किसी ना कोई मतलब कार्य करता हो, कोई भी किसी करते का कोई खर्चा नहीं है। बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। यही जानना चाहते हैं, आप एमपी की रहने वाले? हाँ। और आपकी परिवार में अभी कौन कौन है? अभी जीजा जी हैं, बहने हैं, मौसी हैं। आपकी और बहने हैं? हाँ। तो क्या मैं अगर थोड़ा सा जानना चाहूँ, कभी किसी समय अगर जरूरत पड़े, जो अगले साल अगर कन्या विवाह होंगे आपकी परिवार में या आपके घर में, कोई ऐसे बेटी होंगे कि जो यहाँ पर आप विवाह करना चाहेंगे, मतलब और क्या गुरु जी की निर्देश में? और क्या यहाँ करना, कौन नहीं जाएगा यहाँ वैसी शादी करने? हाँ। तो देख पा रहे हैं कि जो कि दूल्हा से बात किया एमपी के है, और आगे बात करते हैं। सर आप कहाँ से? खरका माप मऊरानीपुर। अच्छा, थोड़ा परिचय देंगे सर? मेरा नाम अखिलेश राय है, मैं ग्राम प्रधान हूँ खरका माप से। अच्छा, यहाँ जो कन्या विवाह हो रहे सर 155 इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ जो आयोजन हो रहा है वो एक बहुत ही, ये आप समझिए कि ऐसा कार्यक्रम मैंने पहली बार देखा है। अच्छा अच्छा। महाराज जी की कृपा से 156 कन्याओं का विवाह जो संपन्न हो रहा है वो अपने आप में एक अभिभूत है। चलो थोड़ा और दूल्हा से बात करते हैं। भाई हमने आपसे कहा कि कम से कम एक वीडियो में 10 दूल्हा से बात करेंगे, भाई यहाँ पर थोड़ा सा बात करते। भैया थोड़ा बात करें भाई, आपका नाम बताओ भाई? सूरजवान सिंह। सूरजवान सिंह। कौन ठाकुर हो भैया? यादव। यादव। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई, हर ठाकुर के समाज यहाँ पर है, जो कि जो कन्या विवाह यहाँ पर हो रहा है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ भाई, कितने धन्यवाद देना चाहोगे यार गुरु महाराज को, कितना आप मेरे पास इतना धन्यवाद देने के लिए शब्द है ही नहीं, शब्द है ही नहीं। और भाई परिवार में कौन कौन है? बहुत ज्यादा से ज्यादा। परिवार में कौन कौन है? मेरे यहाँ तो मम्मी पापा भाई बहन सब है। भाई बहन, बहन अगर मैं पूछूंगा आपकी घर की परिवार की, अगर बहन शादी लायक होंगे, क्या गुरु महाराज जी के सानिध्य में यहाँ अगले साल शादी कराना चाहोगे क्या?
हाँ जरूर, मतलब ऐसा अगर जरूर किस्मत में होगा तो होगा तो। हाँ तो शादी करने के लिए अभी एक बात बताओ, क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेगी आपको? आधार कार्ड वगैरह और कुछ नहीं। अच्छा, बस इतना ही। आपसे कोई सवाल जवाब पूछा गया था कि कुछ? नहीं कुछ नहीं। आपने दुल्हन को देखा था शादी की मतलब अभी और पहले? हाँ देखा। परिवार वालों ने भी देखा होगा? तो आप कहाँ से हो? मऊरानीपुर। मऊरानीपुर तो चलते हैं, और भी कुछ दूल्हा से बात कराते हैं। भाई आ जाओ भैया। भैया नमस्कार, आप दूल्हा हो भैया? क्या नाम है आपका? धीरज। धीरज जी, और कहाँ से आए भैया? गोयरा से। हैं? गोयरा। गोयरा। गोयरा कहाँ पड़ता है, थोड़ा अच्छे तेज बोलो। सरभाई के पास। सरभाई एमपी में पड़ता है, यूपी में? एमपी। अच्छा, तो क्या भाई आज यहाँ 156 बेटी, और कभी आपने ऐसा सोचा था कि इस तरीके से ऐसे मंडप में 156 बेटियों के साथ 156 बराती को साथ आपका ब्याह होगा, शादी होगा? नहीं सोचा था। सोचा था कभी आपने? नहीं नहीं सोचा था ना जी। तो ये भाई के सभी बालाजी और हमारे गुरु महाराज जी का देन है, कृपा है जी, जी। तो क्या कहना चाहोगे बागेश्वर धाम के बारे में? बागेश्वर के बारे में सत सत नमन प्रणाम करना चाहते हैं। आपका डॉक्यूमेंट क्या लगा था भाई विवाह के लिए? आधार कार्ड। आधार कार्ड और? और छोटे भाई आए थे, पैन कार्ड। कैसे संपर्क और क्या किया था आपने, मतलब संपर्क गुरुजी से किया था, कोई फोन नंबर से संपर्क हुआ था? फोन नंबर से। अच्छा, आप भाई व्यवसाय क्या करते, काम क्या करते? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं जी। बहुत बढ़िया। आपकी घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है। बहन होंगे कोई? बहन नहीं, परिवार में होंगे बहन? परिवार। अगर आपसे हम पूछे जिस तरह यहाँ पर 156 बेटी विदा हो रहे, क्या आप अपने घर की बहन बेटी यहाँ पर इसी तरीके से विदा करना चाहेंगे कि गुरु महाराज जी की सानिध्य में? जी जी। आने वाले समय में अगर ऐसा मौका लगे तो जी जरूर करना चाहेंगे। जिस तरह से आप भी किसी की बेटी लेकर घर जा रहे, क्या आप अपने घर की बेटी यहाँ पर शादी करना चाहेंगे? जी जी जरूर करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, बोलो बागेश्वर धाम की जय। जय। चलो भाई आ जाओ इस साइड आ जाओ। सुरेश के ब्लॉग बिल्कुल, माताओं से थोड़ा बात करेंगे। कहाँ से हो आप? आप दुल्हन के साथ हो क्या? दूल्हा? दूल्हा जी के साथ में है, मड़ियादो से है, दमोह जिले से। दूल्हा जी आ रहे हैं। कच्चर होने, कहाँ से आए आप लोग? मड़ियादो से, दमोह जिले से। आज आप लोगों को एक बात बताइए, आप लोगों से थोड़ा सा सवाल करना चाहते हैं। आप लोग जब गांव में घर में शादी होती है तो लगभग 2-4 परिवार एकत्रित होते हैं, यहाँ पर 156 बेटी 156 परिवार एकत्रित हो रहे हैं, तो दूल्हा और दुल्हन एकत्रित शादी होने वाली है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा यहाँ पे? और कभी आप लोगों ने सोचा था कि इस प्रकार से हमारे परिवार की? नहीं, कभी नहीं सोचा था। 156 बेटी की विदा हो रही है, आप बताइए थोड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो हमारे गुरु महाराज जी को क्या कहना चाहोगे आप? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में यहाँ पर कई बहन बैठी हुई है, आने वाले समय में अगर गुरुजी ने कभी आदेश किया या कभी ऐसा मौका लगा, आपकी घर की किसी बहन बेटी को यहाँ पर विदा करना चाहेंगे? हाँ चाहेंगे, क्यों करना नहीं चाहेंगे? हाँ चाहेंगे। जैसे आप किसी की भी बेटी को लेकर अभी घर जा रहे हैं, हाँ। तो ठीक उसी प्रकार से आपकी बेटी यहाँ पर विदा करना चाहेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। तो ये बोलो जय बागेश्वर धाम की। जय बागेश्वर धाम। चलो भाई आ जाओ, बस 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 बस। आ जाओ थोड़ा यहाँ आ जाओ भैया। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल। राहुल पाल। अच्छा बोलना भाई, यार पढ़े लिखे हो आप? हाँ। क्या करते हो आप? रेस करवाता हूँ। रेस एंट्री रेस करवाता हूँ। अच्छा। और कंपनी में काम करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के, महुआ। एमपी के रहने? एमपी के। शादी में कितने लोग आए हो भैया? शादी में पता नहीं लोगों को। अच्छा, तो आज आपको कैसा लग रहा है कि भाई बेटियों की विदा हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या कहना चाहो? मेरे को बहुत खुशी हो रही है। आपने कभी सोचा था कि 156 बेटियों के साथ 156 बारातियों के साथ 156 बारात आएंगे आपके विवाह में, ऐसे लगेंगे? कभी सोचा था? नहीं, कभी नहीं। तो आपको गुरु महाराज जी के बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छे, उनकी कृपा है और हमारे साथ। तो ये भी एमपी की है, ज्यादातर मुझे यहाँ पर थोड़ा एमपी की देखने को मिल रहा है। बोलो जय बागेश्वर धाम। भैया भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? वीरभद्र सिंह परिहार। कौन ठाकुर हो भैया? परिहार। परिहार कहाँ के रहने वाले? पन्ना के। पन्ना, छतरपुर? पन्ना। पन्ना ये मध्य प्रदेश के। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ जो विवाह हो रहा है, इस विवाह में आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा था? आधार कार्ड, परिचय पत्र,
पैन कार्ड। अच्छा, और फोटो वगैरह। कभी आपने सोचा था कि इस तरीके से विवाह होगा आपको 156 बेटियों के साथ, जो यहाँ पर 156 बराती बारात आए हुए हैं और 156 दूल्हन 156 दूल्हा एक साथ मंडप एक ही मंडप में विवाह हो रहा है। कभी आपने सोचा इतना बड़ा संगम के साथ इतना बड़ा महायज्ञ में आपका शादी होगा? नहीं सोचा था। कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो भाई बहुत बढ़िया है भाई। सबसे बात करें बोलो एक बार भागे सर धाम की जय। तो भाई आज मैं क्या कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग एक चीज समझिए कि भाई यहाँ जितने भी दूल्हा आए हुए हैं, अभी दुल्हन से मुलाकात नहीं हुई, जरूर आप लोगों को दुल्हन से भी मुलाकात कराएंगे कि वो किस प्रकार से खुश है, उन्हें कैसा महसूस लग हो रहा है। तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट के साथ जय बागेश्वर धाम जय श्री राम कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।